जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल है कि जैसे कि 6-7 भाई है और एक मतलब वो अलग अलग रहते हैं, और जो बड़ा भाई है वो उनके वालिद मरहूम के नाम से कुर्बानी देना चाह रहे, मतलब वो कुर्बानी दे रहे हैं। तो जैसे कि उसमें 3 हिस्से हैं, तो एक घर वालों के लिए होता है और एक रिश्तेदारों के लिए, और वो तो घर वालों का हिस्सा है वो जो अकेला वो भाई रखेगा, और जो रिश्तेदारों का हिस्सा है क्या वो अपने बहन भाइयों में और उनकी वालदा जो दूसरे भाई के पास रहती है, और जो 5-6 भाई आसपास ही रहते हैं एक ही मतलब अलग अलग फ्लैट में, तो उनमें तकसीम होगा ना वो जो घर का हिस्सा है और जी जो रिश्तेदारों का है। मैं समझ गया, बात समझ गया आपकी। पहली बात यह है कि जो मरहूम की तरफ से कुर्बानी या मैयत की तरफ से फौसलान की तरफ से कुर्बानी है, उसके जी बारे में उलमा का इख्तलाफ है, लेकिन बहुत बड़े बड़े उलमा कहते हैं कि हो जाती है कुर्बानी फौजशुदा की तरफ से की जाए तो वो कुर्बानी हो जाती है। लेकिन अब मसला ये है कि अगर ये जो बड़ा बेटा है अपने माँ के साथ रह रहा है, वो एक कुर्बानी करता है, तो वो कुर्बानी कर देता है मरहूम वालिद की तरफ से, तो इसका माना ये होगा कि वो घर वालों की तरफ से तो कर ही नहीं रहा। तो इसका जो दूसरे लफ्जों में मफहूम ये बनता है कि उसने नफल तो पढ़ लिए लेकिन फर्ज छोड़ दी, क्योंकि घर अच्छा वालों की तरफ से कुर्बानी करना वाजिब है, या कम अज कम जमहूर अहले इल्म के नजदीक सुन्नत मुअक्कदा है, अनाफ के नजदीक वाजिब और जमहूर अहले इल्म के नजदीक सुन्नत मुअक्कदा। अब यह है घर वालों की तरफ से, इस बड़े बेटे ने एक कुर्बानी की और वो भी कर दी वालिद की तरफ से जो फौतशुदा है, तो घर वाले सारे के सारे जो हैं गोया के उस कुर्बानी से निकल गए। ये तरीका अच्छा कार बड़ा गलत है, फर्ज अच्छा छोड़कर नफल पढ़ने वाली बात है। चाहिए ये हाँ कि वालद की तरफ से अलग करें, अपने घर वालों की तरफ से अलग करें, और जो वालद की कुर्बानी की है उसका गोश्त सारा बांट दें, क्योंकि जो अच्छा इख्तलाफ है कि ये कुर्बानी शायद नहीं होगी, जैसा कि बाज़ उलमा कह रहे हैं कि कुर्बानी नहीं लगती, तो वो सदका शुमार हो जाएगा। सदका शुमार अच्छा होगा तो वो आप सारा बांट दीजिए, सवाब से महरूमी नहीं होगी। कुर्बानी के दिन आपने जानवर जिबा किया, नियत की कि या अल्लाह इसका गोश्त हम फकरा मुसाकिन में या बाहर बांट देंगे और इसका स्वाब हमारे फलां को जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत स्वाब देने पर कादर है, वो स्वाब जाएगा ना, ऐसा नहीं है कि वो कुर्बानी जाया जाएगी। लेकिन ये कि उसको बांट दें और अपने घर वालों की तरफ से जिन पर की कुर्बानी सुन्नत मौकदा या वाजिब है वो अदा करना जरूरी है, फौतशुदा हाँ की तरफ से अदा करना नफल है, आप अच्छा करें ना करें कोई मसला नहीं, लेकिन अगर कुर्बानी का वक्त हो, कुर्बानी का दिन हो और आदमी अपने घर की तरफ से कुर्बानी ना करे, तो ऐसे में सुनन इब्ने माजा, मुसनद इमाम अहमद, सुनन दारकुतनी और इसी तरह सुनन कुबरा बहकी में हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन वजदा सिया, अगर किसी को ताकत है, किसी की इस्तेताद है, उसके पास कुदरत है, फलम युदह, और फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता, फला यक्रबन्ना मसल्लाना, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। यानी कुर्बानी की इतनी अहमियत है, लिहाजा उस बड़े बेटे को चाहिए कि दो लेकर एक वालिद की तरफ से करे, उसका गोश्त बांट दे, ताकि कुर्बानी या सदका हर हाल में वो सवाब का जरिया बन जाए, और एक कुर्बानी जो अपने और अपने घर वालों की तरफ से दे रहे हैं वो अपने बाकी भाइयों में भी बांटे, अपने पड़ोसियों में बांटे, जहां जहां चाहे बांटे, फिर उसका कोई मसला नहीं होगा। अलबत्ता मुस्तहब तकसीम ये है कि कुर्बानी के जानवर के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, एक घर वालों का, एक अजीज व अकारब का, जैसे कि भाई हैं अलग हैं, हालांकि उन भाइयों को हर किसी को कुर्बानी अपनी अपनी जगह देनी चाहिए, अगर तौफीक है 7 भाइयों में से 6 अलग हैं तो हर शख्स अपनी तरफ से कुर्बानी दे, और फिर भी आप उनके घर गोश्त दें, आपके अजीजों अकारब हैं पड़ोसियों को दें, और फुकरा मसाकीन को तीसरा हिस्सा, एक हिस्सा घर में, एक हिस्सा फुकरा मसाकीन को, एक हिस्सा पड़ोसियों रिश्तेदारों को,
इस तरह जी, करना। तो जैसे वो एक हिस्सा जो घर में है तो वो एक भाई अपने घर में रखेगा हिस्सा, कहने का ये कंफ्यूजन दूर करना था कि वो नहीं, जो घर ये का हिस्सा है वो एक अगर भाई रखेगा जो और रिश्तेदारों का वो सब भाई और बहनों में मैं तकसीम अर्ज किया करेंगे। है, आप बात को समझें, क्योंकि बात लंबी करने का वक्त नहीं होता। आप समझें कि जो एक हिस्सा अपना है वो अपने घर में रख रहा है, अपने वालदे वालदा उसके साथ है, या वालदा जी को साथ नहीं है तो जिस घर में वालदा है उसी हिस्से में से वहां भी हाँ दे और अपने बाल बच्चों को भी अच्छा खिलाए, और जो एक हाँ हिस्सा दोस्त अहबाब पड़ोसियों का है वो अपने भाइयों को दे, और जी तीसरा हिस्सा जो फुकरा मसाकीन का है वो फुकरा जी मसाकीन हो। अच्छा, जी जजाक अल्लाह खैर शेख साहब जी। बारक।